आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में इस सप्ताह का धर्म ऑडियो बुलेटिन सुनिए। बाबा विश्वनाथ के दरबार में रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। बीते दो वर्षों नया रिकॉर्ड बना है। आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ की नगरी कहलाती है धर्म नगरी वाराणसी, जहां बाबा के धाम में बीते दो वर्षों में भक्तों के आने का नया रिकॉर्ड बना है। काशी विश्वनाथ मंदिर व विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि रोजाना बाबा के दरबार में लाखों भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। यही वजह है कि काशी कॉरिडोर बनने के बाद करीब 12.92 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के धाम दर्शन करने पहुंचे चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के अंत तक भक्तों का ये आंकड़ा 13 करोड़ को पार कर सकता है। साल 2022 के पहले दो दिनों में देवाधिदेव का आशीष लेने और धाम का छठा निरखने 5.5 लाख श्रद्धालु खींचे चले आए थे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस के विकास की पहली बैठक बुलाई तो उसमें बाबा तक भक्तों की राह सुगम करने का खाका खींचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को शिलान्यास किया। बाधाएं दूर कर 2020 जनवरी में कार्य शुरू हुआ। इसके साथ लगभग 350 भवनों को सहमति से खरीद कर 5,27,730 वर्ग फीट में धाम को गंगा तट दृष्टिपथ एकाकार करते हुए विस्तार दिया गया। इसमें श्रद्धालु हित में विभिन्न सुविधाएं भी विकसित की गई। इसका परिणाम रहा कि श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती गई। बाबा के दरबार में भक्तों की तादाद पर अगर गौर करें तो 3 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 तक 48,42,700 भक्त, वहीं जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक 7,11,47,000 एवं जनवरी 2023 से 6 दिसंबर 2023 तक 5,32,35,000 भक्तों ने अपनी उपस्थिति काशी में दर्ज कराई है। इस तरह दो सालों में कुल 12,92,24,700 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा नगर में 17 से 23 दिसंबर तक 7 दिवसीय भागवत कथा का वाचन करेंगे। कथा के आयोजन से पूर्व उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें युवा बच्चों सहित परिवार के अन्य लोगों से पांडाल में पहुंचकर कथा श्रवण करने का आग्रह किया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जारी वीडियो में कहा है कि मध्य प्रदेश में कितने सनातनी हैं, यह हम पिछले दिनों में देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिले सहित आसपास के क्षेत्र में जो असली सनातनी है वह कथा श्रवण करने पहुंचे, नकली सनातनी से इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। साथ ही उन्होंने अपील की है कि असली सनातनी अकेले नहीं बल्कि बच्चों के साथ कथा श्रवण करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बंदियों को अपराध की जगह ध्यान ईश्वर की ओर ले जाने के लिए 3 दिवसीय श्री कृष्णा राम कथा चर्चा का आयोजन किया गया है। कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर और जिला जेल के सहयोग से 10 से 12 दिसंबर तक कथा का आयोजन जारी है। कथा वाचक आचार्य देवव्रत महाराज अमृतरूपी कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। सांसद विनोद सोनकर की इस अनोखी पहल की जिला जेल में चर्चा हो ही रही है। आपको बता दें कि कौशाम्बी जेल में बंदियों एवं कैदियों के द्वारा बनाए गए काउ कोर्ट की साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहना की था। यह काउ कोर्ट गौशाला में संरक्षित गौवंशों को ठंड से बचाने के लिए मददगार साबित हो रहा है। हमारे संवाददाता के अनुसार कौशाम्बी जिला जेल में 772 कैदी एवं बंदी निरुद्ध है, जिसमें 280 सजायाफ्ता और 492 विचारधाराधीन कैदी है। विभिन्न प्रकार के अपराध करने के बाद सभी बंदी और कैदी मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। उन्हें घर परिवार की चिंता सताती रहती है। इसके अलावा जाने अनजाने किए गए अपराध के लिए पछतावा भी हो रहा है। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में इस सप्ताह का धर्म ऑडियो बुलेटिन। राजस्थान में जयपुर जिले में बीलवा के पास श्री राधा सरल बिहारी मंदिर में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। कथा में गत दिवस सुखदेव चरित्र, तुलसी स्तुति, भीष्म स्तुति व परीक्षित चरित्र पर कथा प्रवचन होंगे।
कथा में एक दिन पहले कथा वाचक आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री ने भागवत महात्म्य पर कथा प्रवचन किए। इससे पहले कलश यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंची। इस अवसर पर कथा वाचक आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का प्रत्येक प्रसंग हमें मानवता की शिक्षा प्रदान करता है। हमारा जीवन किस मार्ग से चले कि उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो। भागवत कथा मानव को मानवता ही नहीं बल्कि मानवता के साथ साथ वैष्णवता और भगवत्ता की शिक्षा देकर इनका पात्र भी बनाती है। महापुराण का प्रारंभ करते हुए उन्होंने बताया कि माहात्म्य के प्रारंभ में ही श्री सूत महाराज ने श्री सुखदेव जी की वंदना करते हुए लिखा है कि श्री सुखदेव जी ने जन्म लेते ही घर से वन की राह पकड़ ली और वन में जाकर भगवान की आराधना में लीन हो गए और भागवत व भगवान दोनों प्राप्त हो गए। इससे पहले लवाजमे के साथ कलश यात्रा निकली, जिसमें 108 महिलाएं एक ही परिधान में सिर पर मांगलिक कलश लेकर शामिल हुई। भागवत कथा 15 दिसंबर तक कथा रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। पूर्वांचल के मालवीय कहे गए स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी की स्मृति में संत कबीर नगर में 9 दिवसीय संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के दौरान कथा वाचक पंडित ज्ञान चंद्र द्विवेदी ने भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा कि मृत्यु को जानने से मृत्यु का भय मन से मिट जाता है। जिस प्रकार परीक्षित ने भागवत कथा का श्रवण कर अभय को प्राप्त किया, वैसी ही भागवत जीव को अभय बना देती है। उन्होंने सती प्रसंग ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए प्रभु चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि उनके शील गुण से प्रसन्न होकर भगवान ने प्रभु जी को उनकी रुचि के अनुसार 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त करने का वरदान दिया, जिससे वे अर्धनिश प्रभु का गुणगान सुनते रहें। इसके बाद ऋषभ देव के चरित्र वर्णन करते हुए कहा कि मनुष्य को ऋषभ देव जैसा आदर्श पिता होना चाहिए, जिन्होंने अपने पुत्रों को समझाया कि इस मानव शरीर को पाकर दिव्य तप करना चाहिए, जिससे अंतरुकरण की शुद्धि हो, तभी उसे अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवान को अर्पित भाव से किया गया कर्म ही दिव्य तप है। उत्तराखंड के ऋषिकेश के अठूरवाला ग्राम बागी शिवालय मंदिर में प्रवचन करने पहुंचे कथावाचक को अचानक एक मरीज की जान बचाने के लिए अस्पताल दौड़ना पड़ा। दरअसल कथा शुरू होने से ठीक पहले कथावाचक को रक्तदान करने के लिए एक फोन आया। फोन सुनते ही कथावाचक अस्पताल पहुंचे। रक्तदान करने के बाद वापस लौटकर व्यास गद्दी पर बैठकर कथा वाचन शुरू किया। लोगों ने कथा वाचक की सराहना की। अठूरवाला बागी के शिवालय मंदिर में रविवार दोपहर 1 बजे से भागवत कथा शुरू होनी थी। कथावाचक आशीष बिजलवान को कथा वाचन करना था। कथा शुरू होने से ठीक पहले उनको हिमालयन अस्पताल की इमरजेंसी से एक मरीज के लिए रक्तदान के लिए उन्हें सूचना दी गई। बिना वक्त गवाए कथावाचक आशीष अपने एक अन्य सहयोगी को लेकर अस्पताल पहुंचे। अपने सहयोगी के साथ मरीज के लिए 2 यूनिट खून देकर वापस कथास्थल अठूरवाला पहुंचे, जिसके बाद व्यासपीठ से कथा वाचन शुरू किया। 36 वर्षीय कथावाचक आशीष ने बताया कि वो अब तक 50 बार रक्तदान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के ग्राम घोंट में अगले साल 9 फरवरी से शतचंडी यज्ञ एवं देवी भागवत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल में ध्वजा एवं भूमि पूजन यज्ञ आचार्य रामाधार उपाध्याय काशी विश्वपीठ, कथा वाचक सुरेंद्र शास्त्री नैनपुर एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया। बताया गया कि 9 फरवरी को कलश एवं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 10 से 18 फरवरी तक यज्ञ और संगीतमय कथा होगी। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में इस सप्ताह का धर्म ऑडियो बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के तहसील चायल क्षेत्र के मनोरी बाजार में चल रहे 7 दिवसीय श्री मद्भागवत कथा में गत दिवस श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें कथा वाचक बंशी नंदन राधे शुक्ल के मुखार बिंदु से श्रोताओं को कथा का रसपान करने को मिला। साथ में भागवत कथा सहयोगी मोहित शास्त्री सच्चा बाबा आश्रम प्रयागराज व अनुभव शास्त्री वृंदावन मथुरा से भी रहे। भागवत कथा मनोरी में श्री कृष्ण जन्म होते ही पूरे पंडाल में फूलों की वर्षा हुई। बाजार के व्यापारियों में पुरुष व महिला सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों के बीच प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया और बच्चों के बीच खिलौने लड्डू व मिठाइयां भी बांटी गई।
कथावाचक व्यास महाराज ने बताया कि वासुदेव महाराज की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म बुधवार की रात रोहिणी नक्षत्र में हुआ। वासुदेव महाराज ने श्री कृष्ण जी को डलिया में लिटाकर अपने सर पर रखकर यमुना जी नदी को पार किया था। भागवत कथा मनोरी बाजार निवासी गुलाब चंद केसरवानी पुत्र जगन्नाथ केसरवानी के यहाँ हो रही है, जहाँ बाजार के व्यापारी समाज के लोग चढ़ बढ़कर कथा का रसपान कर रहे हैं। सभी लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। इस श्रीमद् भागवत कथा का सभी लोगों को आनंद लेना चाहिए। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 12 दिसंबर से सोमवार 18 दिसंबर 2023 का धर्म ऑडियो बुलेटिन। अगले सप्ताह 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का धर्म ऑडियो बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।